आदाब नाज़रीन, अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त मुमरा का सियासी पारा काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊँ कि पीछे सड़क जो है पूरी जाम है, जो मुमरा का जो दो ही रास्ते हैं, एक ही सड़क है जिस पर पूरा मुमरा शहर बसा हुआ है। आने और जाने का दोनों रास्ता राष्ट्रवादी पार्टी के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। बता दें कि यहाँ के जो एमएलए हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड, जो साबिक मिनिस्टर भी हैं, पिछली जो सरकार थी अकाली सरकार उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन पर 72 घंटों में ऐसा आरोप लगाया, उन्होंने लगाया ट्वीट के जरिए से कि 72 घंटों में उन पर दो खोटे केस दर्ज कराए गए, FIR दर्ज कराए गए हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर दर्ज कराए गए हैं, और जिसे लेकर काफ़ी रोष जो है उनके कार्यकर्ताओं में है, एनसीपी कार्यकर्ताओं में है। खुद डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने ट्वीट के जरिए कहा है कि उन पर कल जो ताज़ा मामला दर्ज हुआ है वो सेक्शन 354 है, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार का, जिसके तहत उन पर FIR दर्ज हुई, जिससे नाराज होकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन पर इस तरह के झूठे मामला दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे आहत होते हुए वो अपने इस पद से यानी MLA की जो पोस्ट है उससे वो इस्तीफा देंगे। मैं बता दें कि इस वक्त मुमरा कौसा में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, इसके पहले भी थाना में वहाँ के मॉल में जो फिल्म लगी है अरल महादो, उसे भी लेकर वो उन पर केस दर्ज किया गया था, क्योंकि वो अपने 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ सिनेमा हॉल में गए थे और उन्होंने जबरन फिल्म रुकवाई थी और लोगों को, दर्शकों को बाहर निकाला था। वहाँ भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दर्शकों के साथ मारपीट की है। तो उसके फौरन बाद ही ये दूसरा मामला दर्ज होना, उस तरह से एक सियासी पारा जो है काफ़ी गर्म होता नजर आ रहा है। हम दिखा दें, हम अपने साथी से कहेंगे दिखाएंगे किस तरह से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं, क्योंकि दोनों तरफ सड़कें जाम कर दी गई हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, रिक्शा जो यहाँ की लाइफलाइन वो भी पूरी तरह से रुकी हुई है, लोग बाग जो है वो सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त भी आप देख सकते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त सारा हंगामा मचा हुआ, आप देख सकते हैं कि बसों को खाली कराया जा रहा है, यात्री उतर रहे हैं और वापस उनको जो है यू टर्न करके वापस भेजा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि मुमरा शहर का यही एकमात्र रास्ता है जिससे लोग आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं। बहरहाल बता दें कि इस वक्त मुमरा जो है वो उसका सियासी पारा काफ़ी हाई हो चुका है। क्या कुछ होगा आगे, आपको हम अपडेट देते रहेंगे, आगे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे और जो भी ताज़ा अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बता दें कि मंत्री अवार्ड पर एक और FIR दर्ज हो गई है सेक्शन 354, जिससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी है और जिससे चलते उनके कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया। कम से कम बोलो तो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।